एन ये वीडियो और अपलोड कहाँ है भाई तेरी नेक्स्ट वीडियो? अभी तो डाली वीडियो, ये तो तूने 10 दिन पहले डाली थी। 10 दिन? हाँ 10 दिन हो गए इसे। तो हाय, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ कभी भी कैसी भी वीडियो डाली जाती है। बट आज होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें होगा मेरी जिंदगी का सारा सच, मेरे हाथों का कमाल और मेरी उंगलियों की टेक्निक। बस बस बस, बट सही में आज रे देंगे आपको क्या था वो वर्ड, इतिहास नहीं, परिश्रम नहीं यार, एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं हिंदी में, तजुर्बा, तजुर्बा। तो आज रे आपको देंगे तजुर्बा। तो अपनी गेमिंग पीसी की पेटी बांध लो और तैयार कर लो अपने पीसी और लैपटॉप, क्योंकि अभी से नहीं दे रहा मैं ये कैमरा, ये वीडियो सिंपल भी तो शुरू कर सकते हैं। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते। कपड़े चेंज हो गए, ये होता रहता है मेरे साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल, क्योंकि बहुत ही इजी ट्रिक्स बताई है मैंने तुम्हें आज, तो जल्दी जल्दी देख लो। तो सबसे पहले हमारी सबसे इजी ट्रिक जिससे तुम अपनी वीडियो में बहुत ही जल्दी कट लगा सकते हो, वो है क्यू और डब्ल्यू। अब जैसे मैं पहले वीडियोज को ट्रिम करता था, सी से रेजर टूल ले लिया जो मुझे पार्ट लेना है, उसके आगे पीछे कट लगाया, फिर वी दबाया, बाकी को लिया, डिलीट डिलीट, ये हो गया हमारा पार्ट। बट इसमें जाएगा बहुत सारा टाइम और इतने सारे क्लिक करने पड़ेंगे। और इससे भी बहुत ही इजी तरीके से तुम कट कर सकते हो वीडियो को, जैसे कि मेरा प्ले हेड है यहाँ और मुझे यहाँ से वीडियो को शुरू करना है और मैं चाहता हूँ कि पहला पार्ट सारा डिलीट हो जाए, तो मैं सिंपल दबा दूंगा क्यू, तो वो पिछला पार्ट डिलीट भी हो जाएगा और तुम्हारी वीडियो शिफ्ट भी हो जाएगी। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि इसके राइट वाला पार्ट सारा डिलीट हो जाए, तो मैं दबा दूंगा डब्ल्यू, तो वो आगे का रिपल डिलीट ही कर देगा, तुम्हारा गैप भी हट जाएगा और वीडियो भी। तो सिंपल दो कीज याद रखो, क्यू लेफ्ट का रिपल डिलीट करने के लिए और डब्ल्यू राइट का रिपल डिलीट करने के लिए। जल्दी काम करने के लिए तुम यूज कर सकते हो प्रीसेट्स का, और प्रीसेट तुम अपने खुद के बना सकते हो। तो जैसे कि मुझे इस वीडियो में लगाना है जूम इन, तो मैं क्या करूंगा, वीडियो के शुरू में आके कई फ्रेम लगाऊंगा, वीडियो के एंड में जाऊंगा और यहाँ पर जूम इन कर दूंगा, और अब ये जूम होती रहेगी। बट ये है गलत तरीका। सही तरीके के लिए तुम्हें जाना है न्यू आइटम, एडजस्टमेंट लेयर, एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पर डालना है। अब एडजस्टमेंट लेयर के लिए तुम्हें यूज करना होगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तुम यहाँ पर पोजिशन पर की फ्रेम लगा सकते हो, स्केल पर की फ्रेम लगा सकते हो, वीडियो के लास्ट में जाओ एडजस्टमेंट लेयर पर ही और यहाँ पर स्केल बढ़ा सकते हो। अब तुम ट्रांसफॉर्म पर राइट क्लिक जैसे करोगे, यहाँ पर तुम्हें दिखेगा सेव प्रीसेट। अब इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, जूम इन टू माई फेस। अब देखो तुम्हारी वीडियो जूम हो रही है, लेकिन अगर ये डिलीट हो जाए तो तुम जा सकते हो अपने इफेक्ट्स में, यहाँ पर सर्च कर सकते हो जूम इन टू माई फेस और वो यहाँ पर डाल सकते हो। अब तुम्हें कोई भी वीडियो को जूम इन करना होगा, सब पर एडजस्टमेंट लेयर लगाओ और यहाँ पर डाल दो जूम इन टू माई फेस, यहाँ पर डाल दिया हमने और यहाँ पर डाल दिया। अब सारी क्लिप्स जितनी भी है हमारी जूम हो जाएंगी, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, सिंपल। प्रीसेट का फायदा ये है, ये तुम्हारे इसी प्रोजेक्ट में नहीं रहेंगे, वो प्रीमियर प्रो में सेव हो चुका है और तुम उसे कभी भी यूज कर सकते हो। ये तुम किसी का भी बना सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट लेयर का, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लेयर का एक बनाया हुआ है, टेक्स्ट पॉपअप। उसके बाद तुम टेक्स्ट प्रीसेट डाल सकते हो और तुम इसे कभी भी एडिट कर सकते हो। फाइल मैनेजमेंट, जब तक तुम्हारी फाइल्स, वीडियो, इमेजेस, ऑडियो, कुछ भी वो एक ही फोल्डर में है, पूरी मेस्ड अप हुई हुई है और तुम उसे प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर रहे हो, तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पे क्या चीज है और कहाँ से शुरू करें। तो सबसे अच्छा तरीका है, एक फोल्डर बनाओ अपनी वीडियो का और उसके अंदर सारे सब फोल्डर्स बना दो। जैसे कि हमारे पास ये फोल्डर है डे इन लाइफ ऑफ वीडियो एडिटर वाली वीडियो का, और इसके अंदर मैंने सारे फोल्डर्स बना रखे हैं, जैसे कि ऑडियो का अलग फोल्डर, कैप्शन का अलग, ग्राफिक्स का अलग, इमेजेस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, थंबनेल और जितने वीडियो के फोल्डर है वो अलग। फिर यहाँ पर वीडियो का थंबनेल है और फाइनल एक्सपोर्टेड वीडियो है, और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा एक प्रीमियर प्रो का फोल्डर PR, इसके अंदर मैं सारा अपना प्रोजेक्ट सेव करता हूँ। तो जब भी तुम कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको सबसे पहले नाम दो, जैसे कि दुबई व्लॉग, और जहां पर भी तुम्हें सेव करना है उसके अंदर फोल्डर्स बना दो वीडियोस, इमेजेस, ऑडियोस एंड PR। PR वाले फोल्डर के अंदर तुम प्रोजेक्ट सेव कर सकते हो एंड ओके। अब जैसे ही तुम प्रोजेक्ट में जाके डबल क्लिक करके इंपोर्ट करोगे, तुम्हारा वही फोल्डर खुल जाएगा और अब तुम पूरे के पूरे फोल्डर्स इंपोर्ट कर सकते हो और यहाँ पर ऑटोमेटिकली बिन्स बन जाएगी इमेजेस की, ऑडियो की और वीडियोज की। दूसरी ट्रिक है वर्कस्पेस। वर्कस्पेस तो तुम्हें पता ही होगा, विंडोज में जाओ, यहाँ पर तुम्हें वर्कस्पेस मिलता है और तुम शायद से एडिटिंग वाले वर्कस्पेस पे होंगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी तुम्हें ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें दिख रही हैं उन सबको क्लोज कर दो। जैसे कि हमें सोर्स मॉनिटर की
जरूरत है तो यहाँ पर रहने देंगे। ऑडियो क्लिप मिक्सर क्लोज, मेटा डाटा का कुछ नहीं करना क्लोज, ज्योमेट्री कलर और इफेक्ट कंट्रोल की हमें जरूरत है। फिर यहाँ पर नीचे लेफ्ट वाले में हमें बहुत सारी चीजें क्लोज करनी है, जैसे वीडियो प्रोजेक्ट्स, मीडिया ब्राउजर का कोई जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी की कोई जरूरत नहीं है, इन्फो की भी कोई जरूरत नहीं है अभी हमें, मार्कर्स की जरूरत पड़ सकती है, हिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। और अपने हिसाब से तुम इन पैनल्स को अरेंज कर सकते हो, जैसे कि मुझे ऑडियो ट्रैक मिक्सर का पैनल चाहिए तो मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा, और इफेक्ट कंट्रोल मैं यहाँ पर ले जाऊंगा, और टाइमलाइन को बड़ा कर लूंगा ऐसे, और मैं इसको वर्कस्पेस को सेव कर सकता हूँ, सेव एज न्यू वर्कस्पेस पे क्लिक करके एडिटिंग YT। अब मैं चाहे तो किसी भी वर्कस्पेस में हूँ और मुझे YouTube वीडियो के वर्कस्पेस में स्विच करना है तो सीधा एडिटिंग YT वाले वर्कस्पेस पे मैं क्लिक कर दूंगा और वो वापस से आ जाएगा। बटन्स, अब बटन्स मैं कीबोर्ड के बटन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम मॉनिटर के बटन्स के बारे में। तो जहाँ पर तुम्हारा प्रोग्राम मॉनिटर है उसके नीचे तुम्हें एक प्लस का आइकन दिखेगा राइट में, उस पर क्लिक करो और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे यूजफुल बटन्स दिखेंगे, जैसे कि सेफ मार्जिन्स और शो रूलर वाला, इसको तुम यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और क्या यूजफुल है यहाँ पर, जैसे कि ग्लोबल एफएक्स म्यूट, शो गाइड्स वाला बटन, और जो तुम बटन्स यूज नहीं कर सकते उन्हें हटा भी सकते हो, वापस से यहाँ पर ड्रैग कर दो और वो हट जाएंगे। अब शो रूलर की मदद से तुम यहाँ पर गाइड ऐड कर सकते हो फोटोशॉप की तरह, ये वीडियो के लेवलर की तरह काम करेगा। मुझे जब भी कोई वीडियो बीच में डालनी होती है या फिर टेक्स्ट या फिर कोई ग्राफिक को बीच में करना होता है तो मैं इनका यूज करता हूँ। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर, उसके लिए तुम्हें जाना है यहाँ पर सेटिंग्स आइकन में और यहाँ पर इनेबल कर लेना है स्नैप इन प्रोग्राम मॉनिटर। इसकी मदद से तुम हमेशा किसी भी चीज को मूव करोगे तो वो वहां पर गाइड्स दिखा देगा और उसे स्नैप कर देगा खुद ही। और यहाँ पर हमें रेड लाइन भी दिख रही है जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये यहाँ पर स्नैप हो जाएगी। ऐसे ही ये काम करता है टेक्स्ट के लिए भी और वीडियोस के लिए भी। अब नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ऑडियो से रिलेटेड। अब मैंने एक सॉन्ग यहाँ पर यूज किया हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब मुझे इस सॉन्ग की ऑडियो को कम ज्यादा करना है और मैं देख रहा हूँ कि ये तीनों ऑडियो एक ही ट्रैक पर है A2 पर, तो मैं पूरे ऑडियो ट्रैक की ही ऑडियो चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें जाना है विंडोज, ऑडियो ट्रैक मिक्सर, और तुम्हारा प्रोजेक्ट दिखा देगा जिस भी नाम से तुमने सेव किया होगा उस पर क्लिक करो और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा A2। अब इस पे तुम्हें ज्यादा करनी है कम करनी है खुद कर सकते हो, जैसे कि मैं -20 कर दूंगा और ये पूरे A2 ऑडियो ट्रैक की ऑडियो को कम कर देगा। नेक्स्ट भी है ऑडियो से रिलेटेड। अब मुझे एक सॉन्ग को ऐसा बनाना है जैसे कि वो बैकग्राउंड में प्ले हो रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारी वीडियो और इसके पीछे ये हमें म्यूजिक ऐसा बजाना है जैसे वो बैकग्राउंड में प्ले हो रहा हो। तो हम जाएंगे विंडो, एसेंशियल साउंड, इसके बाद यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दिख जाएगा EQ, इसको इनेबल कर देना है और यहाँ पर मैं चूज कर लूंगा टेलीफोन और इसको मैं थोड़ा सा 7 या 8 के बीच में बढ़ा देता हूँ। अब सुन के देखते हैं, थोड़ी ज्यादा है वॉल्यूम कम कर देंगे। और ये ऐसा लगेगा जैसे कि बैकग्राउंड में प्ले हो रहा हो। अब इसके बाद हम थोड़ा और फास्ट जाते हैं। अब मुझे कोई भी क्लिप डिलीट करनी है तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट डिलीट या फिर मैं सबको एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट कर लूंगा। लेकिन मुझे वीडियो में से कोई पार्ट पूरा ही डिलीट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे यहां से लेके और यहां तक का पार्ट डिलीट करना है तो मैं यहां पर लगाऊंगा इन पॉइंट और यहां पर लगाऊंगा आउट पॉइंट और बिना किसी क्लिप को सिलेक्ट किए मैं दबा दूंगा डिलीट। सिर्फ जहां पर मेरा इन और आउट पॉइंट थे वहीं की क्लिप डिलीट हुई होगी। और अगर मुझे डिलीट भी करनी है और गैप हटाना है तो मैं दबा दूंगा शिफ्ट और डिलीट। इसके बाद अगर मुझे अपनी क्लिप्स में से गैप्स को हटाना है तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल A और यहां पर एक ऑप्शन होता है क्लोज गैप जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता और इस पे क्लिक करूंगा और सारा गैप हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है कॉपी और पेस्ट। अब मैंने एक क्लिप पर कुछ एडिटिंग कर दी है, जैसे कि मैं यहां पर कलर ग्रेड करके दिखा दूंगा तुम्हें। ये मान लो मैंने ये कलर ग्रेड कर दिया वीडियो और मुझे इस वाली वीडियो में भी यही सेम चाहिए तो मैं यहां पर ये कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर सकता हूं या फिर मैं यहां पर दबाऊंगा कंट्रोल C और इन सब क्लिप पर मैं करूंगा कंट्रोल ऑल्ट V और यहां पर मुझे जो भी पेस्ट करना है मैं उस पर टिक कर दूंगा, जैसे कि ल्यूमेट्री कलर और ओके, और यहां पर सारी क्लिप्स पर वो लग जाएगा। या फिर तुम राइट क्लिक कर सकते हो और यहां पर आ जाएगा पेस्ट एट्रीब्यूट और तुम यहां से भी इस ऑप्शन को ला सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट भी एक ऑडियो ट्रिक है, अगर तुम्हें अपनी वीडियो में से नॉइस हटानी है तो तुम यहां पर जाओगे इफेक्ट्स में डी नॉइस और अपनी क्लिप पर डी नॉइस डालोगे, इफेक्ट्स में जाकर चेंज करोगे और ऐसे ही हर क्लिप में करोगे। बट इससे अच्छा तुम अपने रिकॉर्डेड क्लिप्स को डालो A1 ट्रैक पर, जाओ ऑडियो ट्रैक मिक्सर पर, यहां पर तुम्हें एक छोटा सा आइकन दिखेगा इस पर क्लिक करो, फिर इस आइकन पर क्लिक करो और यहां पर तुम्हें दिख जाएगा नॉइस रिडक्शन डी नॉइस और यहां पर तुम इसका लेवल चेंज कर सकते हो। और अब तुम्हारे ऑडियो 1 पर पूरा का पूरा डी नॉइस लग चुका है, यानी कि रिमूव हो चुकी है नॉइस। और ऐसे ही तुम किसी भी ट्रैक पर कर सकते हो या फिर तुम ऑडियो से रिलेटेड यहां पर कुछ भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि पिच तुम्हारे ऊपर है। अब किसी भी ऑडियो या वीडियो को फेड करने के लिए तुम यूज कर सकते हो अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन, बट ये फेड को दोनों जगह लगा देता है, मुझे सिर्फ वीडियो पर चाहिए ना कि ऑडियो पर, फिर मुझे ऑडियो को डिलीट करना पड़ेगा। इससे अच्छा तुम यूज कर सकते हो शॉर्टकट, तो कंट्रोल डी से तुम अपने वीडियो पर ट्रांजिशन लगा सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट डी से तुम अपने ऑडियो पर ट्रांजिशन लगा सकते हो।
बहुत सारी ट्रिक्स हो गई, मैं तो नंबर ही भूल गया क्या था। अब ये है हमारी लास्ट ट्रिक। अगर तुमने कोई भी वीडियो, इमेज या कुछ भी इंपोर्ट करा है और वो तुम्हारी टाइमलाइन पर फिट नहीं आ रही है, तुम्हें स्केल करना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन उससे अच्छा तुम राइट क्लिक करो और यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिलेगा सेट टू फ्रेम साइज, और ये तुम्हारी टाइमलाइन के हिसाब से स्केल कर देगा इमेज या वीडियो को। अब यही थी फास्ट एडिट करने की सारी ट्रिक्स। एक बोनस टिप भी है, अगर तुम्हारे पास है ऐसा माउस जिसमें दो बटन है तो इन्हें तुम रीमैप कर सकते हो। मैंने करा हुआ है शिफ्ट प्लस डिलीट और ये डिलीट। अब जब भी मैं इस बटन को दबाता हूँ तो हो जाता है रिपल डिलीट और इससे होता है सिर्फ डिलीट। तो ये हाथ QW और ये हाथ डिलीट शिफ्ट डिलीट। इससे तुम बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी एडिट कर सकते हो। तो आई डोंट नो, मैंने पता नहीं कितनी ट्रिक्स बता दी है, शायद 10-15, बट इससे अलावा भी बहुत सारी ट्रिक्स अभी भी बची हैं। अभी नहीं दिखाऊं। ट्रिक्स तो अच्छी बताई लड़के ने, लेकिन अगर तुम्हें भी कोई ट्रिक्स पता है तो नीचे कमेंट डाउन करो, मैं उन्हें पिन कर दूंगा, औरों को भी सीखने दो यार। और पता नहीं ये तुम्हें ढंग से समझा पाया होगा या नहीं, आता वाता कुछ नहीं है, सच में नहीं आता क्या।